इस विजन लीगल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग अपने कॉपीराइट दुबई के अंदर रजिस्टर करवा सकते हो। देखिए, दुबई एक बहुत हॉट प्लेस है फॉर इंडियंस फॉर बिजनेस। आज के टाइम में दुबई के अंदर बिजनेसेस बहुत तेजी से बूम हो रहे हैं। ग्लोबल ट्रेड बिजनेस दुबई से आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे मल्टी मिलियनर्स मिलेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपना कॉपीराइट दुबई के अंदर रजिस्टर्ड करवा सकते हो। देखिए, मैंने ट्रेडमार्क कैसे करवाना है दुबई में, कंपनी फॉर्मेशन कैसे करते हैं, बिजनेसेस वहाँ कैसे करते हैं, इसके ऊपर बहुत डिटेल के अंदर वीडियो बना रखी है। आज मैं आपको कॉपीराइट के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप दुबई के अंदर जाके कॉपीराइट ले सकते हो और बिजनेस को बड़ा कर सकते हो। सबसे पहले अगर आपको दुबई में कॉपीराइट लेना है तो आपको अपने आर्टिस्टिक वर्क की, फोटो की, हर चीज़ की एक सॉफ्ट कॉपी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद अगर आप हिंदुस्तान से फाइलिंग कर रहे हो तो आपके लिए एक पासपोर्ट होना मैंडेटरी, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। फिर ओनरशिप की डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए और अराउंड 2 से 4 महीने का समय लगता है दुबई के अंदर कॉपीराइट को रजिस्टर्ड करवाने के लिए। आप हिंदुस्तान में लॉ क्या चलता है कि अगर ऑथर की डेथ हो जाती है तो उसके 60 साल बाद तक कॉपीराइट वैलिड रहता है, मतलब ओनरशिप के पास रहता है, जो ओनर है उसके पास रहता है। दुबई के अंदर ये राइट 50 ईयर्स तक है आफ्टर द डेथ ऑफ ऑथर। इस चीज़ का ध्यान रखना, जिसकी भी ओनरशिप है जैसी उसकी डेथ होगी उसके बाद से 50 ईयर्स तक उस पर्सन के पास वो कॉपीराइट रहेगा। और देखिए, दुबई में अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, दुबई का कॉपीराइट लॉ ले लो, ट्रेडमार्क लॉ ले लो, हर चीज़ के लिए दुबई बहुत ज़्यादा सख्त है। अगर आप दुबई के अंदर कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट करते हो तो आपको 9 महीने की जेल हो सकती है और 2,00,000 AED का फाइन हो सकता है। अब यूएई के अंदर कॉपीराइट फाइलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए यूएई गवर्नमेंट ने कॉपीराइट फाइलिंग फीस बहुत ज़्यादा कम कर दी है। अब अराउंड 5,000 से 10,000 AED के बीच में लगता है अगर आपको दुबई के अंदर कॉपीराइट को रजिस्टर्ड करवाना है। देखिए, कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन की फीस मैटर करती है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। आप क्या बुक करवा रहे हो, आर्टिस्टिक वर्क करा रहे हो, साउंड रिकॉर्डिंग है, क्या चीज़ का आप कॉपीराइट लेना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी गवर्नमेंट फीस डिसाइड होती है। और 4 महीने में आपका कॉपीराइट रजिस्टर्ड हो जाता है। हो सकता है कुछ दिन एक्स्ट्रा लगे अगर वहाँ पे भी ऑब्जेक्शन, अपोजिशन या गवर्नमेंट को आपके कॉपीराइट या आर्टिस्टिक वर्क के अंदर कोई दिक्कत लगती है। फ्रेंड्स, अगर आपको हिंदुस्तान के अंदर कॉपीराइट ट्रेडमार्क करवाना है, दुबई के अंदर ट्रेडमार्क कॉपीराइट करवाना है, तो आप हमें डायरेक्टली इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करिए, मेरी टीम आपसे कनेक्ट होगी, आपको हम इन्फॉर्मेशन एक बार शेयर करेंगे कॉपीराइट ट्रेडमार्क के बारे में, कैसे आप करवा सकते हो, प्रोसेस कैसे होता है। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे आप फाइनली दुबई के अंदर बिजनेस चालू कर सकते हो, IPRs ले सकते हो और खुद का एक शॉप या फैक्ट्री या बिजनेस एंड ट्रेडिंग ओपन कर सकते हो दुबई के अंदर। कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो डायरेक्टली इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करो, हमारी टीम कॉल के ऊपर आपसे कनेक्ट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपके मन में क्वेश्चन भी है ना दुबई को लेके, चाइना को लेके, हांगकांग एंड सिंगापुर को लेके, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। देखिए, मैं जितने भी क्वेश्चंस पे करता हूँ ना, सारे कमेंट सेक्शन से करता हूँ। तो आपके मन में कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, बिजनेस को लेके डाउट है, लीगलिटीज को लेके डाउट है, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो, डिटेल में अपनी प्रॉब्लम को लिखो, मैं उस प्रॉब्लम को पिकअप करूंगा और उसके ऊपर वीडियो इस चैनल के ऊपर लेकर आऊंगा। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग अत्यंत सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।